माँ थी मेरी जिस पे तेरे भाई ने हत्या रखा था, माँ थी मेरी माँ। आतंकवादी, कानून की नजरों में एक आतंकवादी बहुत बड़ा मुजरिम होता है और उसी कानून की नजरों में उसे पनाह देने वाला उससे भी बड़ा मुजरिम होता है। अब आप मुझे यह बताइए एसीपी साहब कि कानून को आप जैसे मुजरिम के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए। डीआईजी साहब, मेरे बयान का एक एक लफ्ज गीता और रामायण की तरह पवित्र और सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। अगर यह बात सच है तो मुझे आपके साथ साथ आपकी बीवी भी सलाखों के पीछे नजर आ रही है। एसीपी साहब, मैं आपको बचा लूंगा अगर आप मुझे सच सच बता दें कि आपके खानदान ने कितने पैसे में बेचा अपनी ईमान को। डीआईजी साहब, हमारा खानदान पैसों से नहीं बिकता बल्कि प्यार से बिक जाता है। मेरी पत्नी को पूरा यकीन है यह बादल पैदाइशी आतंकवादी नहीं है। 1984 में पंजाब के गांव खेमकरण में एक पुलिस वाले ने उसके मां बाप और बहन को तमाम गांव वालों के साथ जिंदा जला दिया था और वो लड़का भटक कर आतंकवादी बन गया। वो सुंदरनगर मासूमों की जान लेने के लिए नहीं आया है, उसे तलाश है तो सिर्फ उस पुलिस वाले की। I see. अब आपका क्या इरादा है? आप उस पुलिस वाले को गिरफ्तार करेंगे या उस आतंकवादी को? उस पुलिस वाले को तो सजा भगवान देगा लेकिन इस आतंकवादी को सजा मैं दूंगा। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे पर नाकाबंदी कर दो, वो आतंकवादी किसी भी सूरत में भागने ना पाए, समझे? बादल को देखते ही उसे गोली मार दो, शूट एट साइट। मार डालोगे उसे? पुलिस वाले हो ना, मार डालो। उसने मेरे विश्वास को धोखा दिया है सिमरन, मेरे भरोसे को तोड़ा है। आज के बाद इस दिल में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं। बादल भैया की शादी रानी से नहीं होगी दीदी। बादल? बादल नहीं, टेररिस्ट। तुम्हें टेररिस्ट देखने का बहुत शौक था ना? देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। दरअसल पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम राजवीर है, एक आतंकवादी। मैं सुंदरनगर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे उसे खत्म करना है जिसने मुझे आतंकवादी बनाया। इससे पहले कि पुलिस मुझे अपनी गोलियां का निशाना बना ले, मैं उसे मिटा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा? मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा प्यार, सब कुछ मेरी मौत के साथ खामोश हो जाएगा क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद है इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। और मैं कुछ नहीं। फिर हम लोग क्यों मिले? क्यों साथ में सपने देखे? Why? ये एक युद्ध की शुरुआत है। मेरी जिंदगी की उम्र किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकती है।
मेरा साथ तुम्हारा कल नहीं, मेरा अंत मेरे सामने है, मुझसे दूर रहो। से वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं। गोली चलाओगे मुझ पे? चलाओ गोली, कम ऑन, शूट मी। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। तुम भी तो उसी परिवार का एक हिस्सा हो। जज्बातों की जंजीरें मेरे पैर पे मत डालिए एसीपी साहब, आज भी मेरी आंखों के सामने चिताएं चल रही हैं। जब तक मैं उस कमीने को आग में झोंक ना दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी साहेब सिंह जी, वो एसीपी साहब केदारनाथ जी के यहाँ आए हुए ना? जी मालूम नहीं, पर वो यहाँ से सीधा सर्किट हाउस जाएंगे। जी वहाँ पे डीआईजी साहब ठहरे हुए ना? जी साहब। गोद में सुला देना चाहता था ना? तो देख, तू खुद मौत के मुंह में खड़ा है। जानना चाहता मैं जिंदा कैसे हूं, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझता हूं। तो उस दिन भी बहुत बेबस था जिस दिन मैंने तेरे खानदान को जिंदा जला दिया था, और आज भी बहुत बेबस है। मार गोली मार।
सिमरन, क्या हुआ? अरे बोलती क्यों नहीं? सोनी कहाँ है? सोनी उसका कहीं पता नहीं जी, शाम से गायब है। कबीना जिसे अपनी बहन कहता था उसे ही अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खून के आंसू रोएगा वो, खून के आंसू। लेकिन तब जब तुम हमारा एक काम करोगे, कल सुबह तुम्हें हमारे नेता सत्य प्रकाश जी को खत्म करना है। उससे पहले मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। अगर तू चाहता है कि कल तेरी प्यारी बहन की अर्थी के बजाय डोली उठे तो तू वही करेगा जो मैं चाहूंगा। ये सुंदर नगर का परेड ग्राउंड है। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। कल यहां पर हमारे देश का सबसे बड़ा नेता सत्य प्रकाश हजारों लोगों के सामने झंडा फहराने वाला है। यहां पर जबरदस्त सिक्योरिटी होगी, लेकिन सिक्योरिटी की आंख में धूल झोंककर साहिब सिंह तुम्हें इस मेन होल तक पहुंचा देगा। तुम इसमें से नीचे उतर के वाटर टनल के जरिए इस मेन होल तक पहुंचोगे जो कि डायस के ठीक सामने खुलता है। सत्य प्रकाश जैसे ही डायस से नीचे उतरेगा तुम मेन होल से निकलकर उसे गोलियों से छलनी कर दोगे। और हां, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में। अगर तुमने जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो बेचारी बेमौत मारी जाएगी। सच्चे? सर आपको लगता है कि सत्य प्रकाश को गोली मारेगा? साहिब सिंह, इस हिंदुस्तान की मिट्टी भी अजीब है। यहां के लोग मामूली से धागे के बंधन के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो सत्य प्रकाश को गोली मारे हम उसे गोली मार देंगे। सरकार की नजरों में एक आतंकवादी मारा जाएगा और मुझे एक और बड़ा इनाम मिल जाएगा। आज का दिन सुंदर नगर के लिए एक सुनहरा दिन। पूरी एहतियात के साथ आदमी को चेक करो। अरे जल्दी कर, वक्त नहीं हमारे पास। मेरे पास वक्त ही वक्त है। क्या मतलब? जब तक मैं अपनी बहन से बात नहीं कर लेता मैं सत्य प्रकाश को नहीं मारूंगा। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? बात करा अपने बाप से। राणा साहब बोलो। साहब ये कहला कि पहले अपनी बहन से बात करेगा फिर हमारा काम करेगा। बात कर अपने भाई से। भैया सॉरी, भाई मुझे बचा लो। तो फिकर मत कर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कुछ नहीं हो सकता। भैया
के अलावा कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन। प्रताप सिंह, नॉर्थ जोन और साउथ जोन पर कड़ी नजर रखना। इस 15 अगस्त के दिन, इस आजादी के दिन हम सौगंध खाते हैं कि इस देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। ख्याल है कि आतंकवादी ये कोई गैर नहीं है, ये हमारे कोई अपने हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें सही रास्ते पर लाएं। अब आप लोग सब कहिए जय हिंद। Come on.
चोरी कहाँ है? बाल! कानून के हवाले कर दो बादल, इसे इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। जो काम तुमने किया है वो इस देश के सिपाही को करना चाहिए था। हमें गर्व है तुम पे। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हारे साथ एक पेशेवर मुजरिम की तरह सलूक ना करें।